बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहज़ाद हज़ुमामुल हाज़िर ख़िदमत है। नए प्रोग्राम, नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए हर इंसान को किसी न किसी रोज़गार से, किसी प्रोफेशन से वाबस्ता होना पड़ता है। कुछ लोग जो हैं बिल्डिंग बनाते हैं, कुछ लोग कारोबार करते हैं, कुछ लोग जो हैं लोगों की तकलीफ़ें देते हैं, लोगों को लोगों की जान दे के पैसे कमा रहे होते हैं, ऐसा हो रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लोगों की तकलीफ़ों को दूर करके, लोगों की खिदमत करके जो है इस दुनिया में रोज़गार जो है अपना चलाते हैं। अब समझें आप कि एक आदमी है जो कि दर्द में है, बुखार में है, तकलीफ़ में है, तड़प रहा है। अगर दुनिया में डॉक्टर्स नहीं होते, नर्सेज नहीं होती, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं होता तो क्या होता? लेकिन अल्लाह ताला को पता था कि मैंने इस दुनिया में जब इंसानों को भेजा है तो इंसान की सेहत के साथ फिर बीमारियां भी हैं, और बीमारी के साथ जो है फिर एक सिलसिला जोड़ दिया गया तिब का। और तिब का जो जो पेशा है वो इंतहाई मुकद्दस पेशा है, ना सिर्फ दुनियावी तौर पर बल्कि अगर अल्लाह के नज़दीक भी देखा जाए तो बहुत सी मुतबर्रक पेशा है, लेकिन अगर सही तरीके से इसको अंजाम दिया जाए। अब कोई इदारा हो जिसको हॉस्पिटल कहा जाए, वहाँ पे अगर सिर्फ सारे ही डॉक्टर्स हों तो क्या वो इदारा चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। डॉक्टर की अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, डॉक्टर का काम डायग्नोस करना है, डॉक्टर का काम इलाज बताना है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करता है वहाँ पे एक हेल्पिंग हैंड होता है जिसको हम नर्सिंग स्टाफ कहते हैं। नर्सिंग स्टाफ ना हो या फिर पैरामेडिकल स्टाफ ना हो या टेक्नोलॉजिस्ट ना हो तो कोई हॉस्पिटल, दुनिया का कोई हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता। मतलब ये तमाम जो प्रोफेशंस हैं किसी भी, ये तिब की दुनिया से इंतहाई लाजिम मलजूम है। लेकिन बदकिस्मती ये रही है कि पूरी दुनिया में और शायद हमारे मुल्क में भी डॉक्टर्स को तो क्रेडिट्स मिल जाते हैं, मरीज़ सही हो जाता है तो डॉक्टर की तारीफ़ों में, डॉक्टर की शान में जो कलामे मिलाए जा रहे होते हैं, डॉक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन दरहकीकत जो एक पूरी टीम होती है जो किसी भी इंसान की तकलीफ को दूर करने का सबब बनती है हॉस्पिटल्स में, और उसमें जो बैकबोन है वो हमारा नर्सिंग स्टाफ है। ये वो स्टाफ है जो दिन रात 24 घंटे राउंड द क्लॉक जाग रहा होता है, हॉस्पिटल्स में ड्यूटीज दे रहा होता है। कितने भी हालात ख़राब हों, कितने तूफान आए, कितने बारिशें हों, ये हमेशा मौजूद होता है। लेकिन शायद हमने उसको अभी तक वो इज़्ज़त नहीं दी जो कि पूरी दुनिया में इस प्रोफेशन को दे दी गई है। क्या वजूहात हैं? इस प्रोफेशन में जो आना चाहता है उसको क्या करना चाहिए? इस प्रोफेशन के आगे क्या मौके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में? इस प्रोफेशन की जो अपनी जो मजबूरियाँ हैं, जो महरूमियाँ हैं, वो कैसे दूर की जाएंगी? आज ये मेरा प्रोग्राम है। बहुत डॉक्टर्स आए आते रहेंगे, लेकिन आज का मेरा बड़ा ही स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि ये मेरा ही शोबा है, तिब का शोबा है, जिसमें जो ये जो तबका है ये हमारे, समझ लीजिए कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर ये ना होता तो शायद हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इस बहाने आज मैं कहना चाहूँगा जितने भी पाकिस्तान भर में जितने भी हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का। आप लोगों के बगैर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स कुछ नहीं है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि बराह रास्त आज ये प्रोग्राम आ रहा है, बड़ा खुसूसी प्रोग्राम है और आप भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रोफेशन के हवाले से कोई बात अगर आप चाहें और हमारे जो नर्सिंग स्टाफ के हवाले से कुछ अगर कहना चाहें तो इस पर भी बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नंबर है 3530578 और 79। कराची से बाहर की वीडियो में डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मेहमान से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजी अली। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर नर्सिंग प्रोग्राम में? यस, फौजी अली साहिबा जिन्होंने एज अ करियर स्टार्ट किया नर्स के तौर पे, लेकिन इन यही जो सिलसिला है ना, ये सीक ऑफ नॉलेज, जस्तुजू, वो इनके अंदर मौजूद थी। तो माशाल्लाह इन्होंने पीएचडी किया नर्सिंग में, और ये मैं आज पूछना चाहूँगा तो ये भी डॉक्टर है, ये अपने प्रोफेशन की मेराज पे गई हैं, और इनसे पूछना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन की मेराज जो है वो क्या होती है, और इनका ताल्लुक जो है आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से है, और एज अ डायरेक्टर एमएस प्रोग्राम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। हमारे इनके साथ एक और मेहमान अभी आने वाली हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फौजिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
बहुत अच्छी, और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया नर्सिस को, एंड जिस तरीके से आप नर्सिस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इट्स वेरी प्रिविलेज, और बहुत अच्छा लग रहा है कि एज अ हेल्थ टीम वर्कर हमें भी इतना सपोर्ट मिले, एंड एज अ कंट्री वाइड नर्सिस आर बैकबोन एंड दे आर देयर टू एलिविएट द सफरिंग्स. एंड इस तरह से लेते हुए जो नंबर वन मैं शुरू करूंगी, थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मेरा देने के लिए, जैसे मैंने शुरू की मेरी करियर विथ डिप्लोमा नर्सिंग विच वॉज अ 3 years एट दैट टाइम. मिडविफ्री मैंने किया बिकॉज मुझे ये एहसास हुआ कि अर्बन एंड रूरल एरियाज़ में जो हमारी मदर्स की हेल्थ है, दे नीड मोर केयर. तो मिडविफ्री का 1 year का प्रोग्राम है, मिडविफ्री का, सो आई डिड दैट. फिर एज अ लॉन्ग थोड़ा चलते गए और प्रोफेशन में काम करते गए, तो ऐसा महसूस हुआ देर इज़ मोर नीड फॉर नॉलेज. सो मैं मास्टर्स के लिए 1997 में, बिकॉज मास्टर्स हमारे मुल्क में नर्सिंग के लिए ऑफर नहीं होता है, तो मैं यूके कार्डिफ में गई टू डू द मास्टर्स प्रोग्राम. सो आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम यूके. और कितने दिन का था ये? इट वाज ऑलमोस्ट 2 साल का था, इट वाज 18 months. एंड इट वॉज अ वेरी नाइस लर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहाँ पे जब हम कुछ पेपर्स लिखते थे एंड थीसिस के टॉपिक्स डिस्कस करते थे सुपरवाइजर के साथ, तो जब हम नर्सिंग के एस्पेक्ट को लेते थे, डिस्क्राइब करते थे, तो जो हमारे सुपरवाइजर कहते थे, इज़ दिस रियलिटी, इज दिस व्हाट द नेचर ऑफ नर्सिंग इज़ इन योर कंट्री. एंड तो हम इनको कहते हैं सुपरवाइजर को, इट वुड बी नाइस इफ़ यू कैन कम एंड विजिट, लाइक यू नो सम ऑफ द नर्सेज हु आर स्ट्रगलिंग. वी आर प्राउड टू बी नर्सेज, बट वी आर स्ट्रगलिंग इन ऑल एंटिटी टू मेक श्योर दैट वी आर नोन फॉर वॉट वी आर. सो इसके बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान, एंड 2002 मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं PhD करूं, तो आई डिड इट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा कनाडा में. अच्छा, दैट्स वंडरफुल. एंड द PhD प्रोग्राम इज ऑफ 4 years, एंड एट दैट टाइम मैं पहली इंटरनेशनल स्टूडेंट थी जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा में मुझे टीचिंग अवार्ड भी मिला बेस्ड ऑन व्हाट आई वाज वर्किंग विद माय सुपरवाइजर एंड माय टीम. सो मुझे नर्सिंग में 23 इयर्स हो गए हैं दैट आई एम वर्किंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय करियर, एंड आई एम प्राउड टू बी अ नर्स बिकॉज आई कैन स्पीक फॉर माय पेशेंट, आई एम पार्ट इन हेल्पिंग द केयर, एंड इसको सर्विस के अलावा नाउ आई एम मच मोर ऑन द एजुकेशन साइड्स. सो जो मेरा रोल एट द मोमेंट है दैट इट्स नॉट जस्ट क्लिनिकल, but I'm involved in teaching at the graduate level, and this is master's program. अच्छा, एक बात मैं आपसे, खुदा खलामी हूँ, आप 3 साल का ग्रेजुएशन किया आपने, 1 साल का एडवांस डिप्लोमा कोर्स किया मिडविफ्री, अच्छा फिर 2 साल का मास्टर्स किया कार्डिफ हॉस्पिटल लंदन से, फिर अल्बर्टा कनाडा से आपने 4 साल का PhD किया. यहाँ तो लोग ऑनलाइन PhD की डिग्री ले लेते हैं और डॉक्टर कहलाते हैं, हैं? इतनी सारी मेहनत की क्या ज़रूरत थी? इस मेहनत में जो स्ट्रगल इन्वॉल्व है मुझे और एहसास दिलाता है दैट कैसे हेल्थ केयर को और इम्प्रूव किया जाए. एंड जैसे बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जब मैं PhD करके आए, दे सेड व्हाई डिड यू कम बैक टू पाकिस्तान, आपको तो वहाँ पे एट यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा. अच्छा, पाकिस्तान क्यों आई ये भी आप बताएंगे. नाज़रीन, एक चीज़ में आप देखें हमारे मुल्क में, नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपको पता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े नाम हैं, जो कि जिनके नाम के साथ डॉक्टर है और PhD की डिग्रीज हैं. एक बात यहाँ पे अभी डॉक्टर फौजिया ने बताई है कि PhD करने का एक प्रोटोकॉल है कि आप पहले बैचलर्स करते हैं अपने इंटरमीडिएट के बाद, बैचलर्स के बाद फिर आप जो है मास्टर्स करते हैं, और फिर आप PhD प्रोग्राम में आते हैं, और सालों की इसमें जो है ना रियाजत है. ये मैं कहना चाहूँगा खुदा के वास्ते इस मुल्क के तमाम हायर एजुकेशन कमीशन और जितने भी लोग हैं, खरे और खोटे में तमीज़ करें, ये खरी हैं. ये एक चीज़ होती है, एक इंसान अंदर से इसको एक
सुकून होता है कि मैंने अगर ये नाम लगाया है अपने साथ डॉक्टर का, तो मैं डिज़र्व करता हूँ। मज़ीद बातें करेंगे डॉक्टर फौजिया से। इतना कुछ चढ़ने के बाद पाकिस्तान में सर्व कर रही हैं, क्यों कर रही हैं और हमारे नर्सिंग प्रोफेशन को मज़ीद कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है, सारी बातें करेंगे। जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।